स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज हम देखेंगे कक्षा नौवीं संस्कृत द्वितीय सत्र के लिए जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आया हुआ है आपका, उसे हम देखेंगे विद सॉल्यूशन के साथ में। यह है आपकी मार्किंग इसकी। तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन जो है वो दोनों एक ही वीडियो में अभी समझाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपके टाइमिंग की बात कर लें तो 2 घंटे की टाइमिंग है आपकी। मैक्सिमम मार्क्स है आपके 40 एंड कुछ सामान्य निर्देश आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब हम चलते हैं आपके सीधा प्रश्न पत्र की तरफ। प्रश्न पत्र में आप क्या क्या लिखेंगे आपको ये समझा देते हैं। तो सबसे पहले है आपका अपठित बोधनम। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो एक क्वेश्चन से स्रोत होगा आपका छोटा सा, ये आपका 10 मार्क्स का होगा। इसमें देखिए ये प्रश्न पत्र जो है उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा और इसमें भी जो है पहले प्रश्न में आपके 4 पार्ट होंगे और 4 पार्ट में से आपको जो आंसर क्वेश्चन के आंसर लिखने वो कैसे लिखने वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले है एक पद में लिखा, यानी कि आपको एक पद में लिखना है, एक शब्द में लिखना है। तो केवल प्रश्न दो, यानी कि इन तीनों में से आपको किन्हीं दो के उत्तर लिखने, कितने के, दो के उत्तर आपको इसमें से लिखने इन तीनों में से। सेकंड में पूर्ण वाक्य लिखा, इसमें भी मतलब आपको इसमें पूर्ण वाक्य लिखना है तो इसमें भी आपको दो ही करने हैं इन तीनों में से, और ये तो आपको मैंडेटरी है करना। और अब पहले हम ये देख लेते हैं ये जो आपके 3 दिए हुए हैं इनके आंसर आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला है आपका आ का लिखना है, तो आ में जो आपका पहला है उसमें आएगा पराधीनता, सेकंड में आएगा आपका वीरह, और थर्ड देख लेते हैं तो थर्ड में आएगा अनेका नाम। और जो आपका पूर्ण वाक्यन लिखत है तो पूर्ण वाक्यन आपका ये वाला था, ठीक है, पूर्ण वाक्यन आपका ये है, इसमें से ये 3 दिए हुए हैं, 3 में से आपको किन्हीं 2 को लिखना है। तो पूर्ण वाक्यन आप कुछ इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा, और एक उचित शीर्षक लिखना है तो उचित शीर्षक आपका ये वाला हो जाएगा, स्वाधीनता संग्राम अथवा ये वाला 1 मार्क्स में। अब देखिए जो आपके और भी दिए हुए हैं नीचे, नीचे क्या है कि आपको यहाँ पे समझाना है, निर्देश अनुसार उत्तर देने हैं, और केवलम प्रश्न त्रयम, त्रयम यानी कि 3 प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं इन तीनों, इन 4ों में से। तो कैसे इसके उत्तर लिखेंगे क्वेश्चन आप पढ़ ही सकते हैं। आंसर देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं, सबसे पहला आएगा जानीमह, सेकंड में आएगा वीरह, तीसरे में आएगा सक्रिय और चौथे में आएगा समीक्षा। तो ये हो गया आपके ई वाला पार्ट। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10 मार्क्स का था, इस तरह से आपके प्रश्न पूछे गए हैं और ये आप इस तरह से लिख देंगे आंसर की, और क्वेश्चन पेपर मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब चलते हैं आपके सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में देखिए एक आपका जो है वो पत्र दिया है यहाँ पे, ठीक है, और पत्र में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें लिखनी है वो भी आपको समझाई गई है, ठीक है। तो 10 दिए हुए हैं टोटल, आपको 10 के 10 ही यहाँ पे पूरे कंप्लीट करने हैं। तो देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। तो ये दिया हुआ है आपका यहाँ से, एक सेकेंड, हाँ देखिए सबसे पहले आपको दिनांक लिखनी है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका पत्र जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो पहले आप किसके जगह पे क्या क्या लिखेंगे वो देख लीजिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आपका छठा, सातवा, आठवा, नौवा एंड ये आपका हो जाएगा 10वां। तो ये आपके 10 पॉइंट है इस पत्र में जो आपको लिखने हैं, ठीक है, जिसे आप खाली स्थान कह सकते हैं। तो इन 10ों में कहां कहां पे क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा प्रणमामी, तत्रास्तु, थर्ड, फोर्थ बालकानः, फिफ्थ संयोजिका, सिक्स्थ महत्वम, सेवंथ छात्रः, और 8 है आपका दृष्टः, 9th है आपका निवेदनीयः एंड 10th है आपका दीपकः। तो ये पत्र लेखन में आपको लिखने हैं, ये आपके समझ में आ गए होंगे सभी को, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, जो आपको निर्देश दिए जाते हैं वो यहाँ पे आपको लिखे गए हैं। अब बस आपको इसमें से बता देना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या भरना है। तो आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या भरना है वो तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अब जाता है आपका चित्र वाला क्वेश्चन। अब चित्र वाले प्रश्न में देखिए यहाँ पे ये आपका चित्र दिया हुआ है। अब इस चित्र से आधारित आपको क्या करना है, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको करना क्या है, संस्कृत लिखत, आपको कुछ वाक्य लिखने हैं इस पिक्चर के बारे में। तो इस पिक्चर के बारे में आप वाक्य किस तरह से लिखेंगे, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो आप वाक्य लिखने वाले हैं एक स्टोरी टाइप में, उसमें आप ये जो है इन सभी वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। और अथवा में आपको क्या करना है, एक अनुच्छेद लिखना है, अनुच्छेद में आपको ये सारी बातें इंक्लूड करके एक अनुच्छेद लिखना है। तो सबसे पहले हम पिक्चर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपका दिया गया है। पिक्चर क्वेश्चन में आप कुछ इस तरह से लिखेंगे चित्र वर्णन, तो चित्र का वर्णन आप कुछ इस तरह से करेंगे, और इसमें जो है वो आपके सभी उन वर्ड्स का यूज किया गया होगा, ये वाले जो है, ठीक है, इन सभी का यूज किया गया है जिससे कि आपकी जो स्टोरी टाइप है कह लीजिए या फिर जो आपको चित्र के बारे में समझाना है वो लिखना है।
तो ये हो गया आपका चित्र वर्णयम यानी कि चित्र के बारे में। अब आ जाता है अनुच्छेद लेखनम, यानी कि अब आपको अनुच्छेद वाले जो लिखे हुए हैं वर्ड्स उनका यूज करके एक अनुच्छेद लिखना है छोटा सा, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद और चित्र वर्णयम ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषा अनुत्लिखित, यानी कि आपको ये जो वर्ड्स हैं इनको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है और टोटल छह दिए हुए हैं, आपको किन्हीं पांच के उत्तर लिखने हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला है आपका वह मेरा घर है, दूसरा है यह रितेश की पुस्तक है, तीसरा सीमा गाना गाती है, चौथा है मैंने पुस्तक पढ़ी, पांचवा है वीना कल घर जाएगी, और लास्ट है संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। बिल्कुल सही बात। अब देखिए इसको आप किस तरह से लिखेंगे। इदम मम गृहम अस्ति, इदम रितेश्य पुस्तकम अस्ति, थर्ड सीमा गीता गीतम गायति, अहम पुस्तकम अपठतम सॉरी अपठम, फिफ्थ वीनश्च गृह गमिष्यति, संस्कृत सर्वशा भाषिणः जननी अस्ति। ठीक है, इनको आपको छह में से किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर लिखने थे, और ये आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये हो गए आपके जो संस्कृत में वाक्य आपको लिखने थे। अब आ जाता है पठित बोधन, यानी कि आपकी जो किताब है उससे संबंधित अब आपके यहाँ पे प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले एक किताब में से ये आपकी लाइन ली गई है, ठीक है, इसी से लाइन से संबंधित अब जो है उसी चैप्टर से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के। तो 3 मार्क्स के आपके देख सकते ये प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला आ है, आ में देखिए आपके आधे आधे मार्क्स के 3 प्रश्न है, लेकिन आपको 2 देने, यानी कि आ जो है वो आपका 1 मार्क्स से जवाब किन्हीं 2 को करेंगे। तो ये 3 दिए गए, इनमें से 2 आपको करने हैं। एंड इस वाले में है पूर्ण वाक्य ने उत्तर केवल प्रश्न, यानी कि आपको इसमें भी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 1-1 मार्क्स के हैं ये इन 3ों में से। तो अब इन प्रश्नों का उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे आपकी किताब में जो दिए हुए हैं प्रश्न, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया आपका यहाँ से स्टार्ट, और ये आप लिखेंगे कुछ इस तरह से। एक पदन लिखत में सबसे पहले में आएगा प्रकृति, तीसरे में आएगा मातृगर्भ, और दूसरे में मातृगर्भ, और तीसरे में आएगा मानवा। एंड जो आपका दूसरा वाला है जिसमें आपको एक एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं 1-1 मार्क्स के, ये वाले अब इनका आंसर जो है वो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो पहला यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है, 1 सेकेंड, हाँ पहला यहां से स्टार्ट हो गया, और उसके बाद जो दूसरा है दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो गया है, और तीसरा आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो आपको समझ में आ गया संस्कृत के आपकी प्रश्न जो है वो आप इस तरह से इनके उत्तर लिखेंगे। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए एक तरह से कैसे कविता टाइप में जो आपकी है उसमें से लिया गया है ये कुछ शब्द, अब उसी से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी उसी तरह से है कि आपको क्या करना है, एक पद में उत्तर देना है, ठीक है, जो कि आपको दो के उत्तर देने हैं जो कि आपके आधे आधे मार्क्स के हैं। ठीक है, और जो इस ये वाला सेक्शन है इसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, 2 का उत्तर लिखना है जो कि आपके 1-1 मार्क्स के हैं। तो अब इनका उत्तर कैसे लिखेंगे बच्चों, तो इनका उत्तर जो है वो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं पद्यांश। तो इसमें देखिए एक पद्यांश लिखत में पहले में आएगा जटायु, दूसरे में आएगा रावणम, तीसरे में आएगा वैदेही, और जो पूर्ण वाक्य लिखते हैं उसमें आएगा जटायु अपसुप्त तम शब्द शुश्रुवे, एंड जो ये वाला है जटायु रावणम क्षिप्रम निचितवन, एंड थर्ड में जटायु वैधि ददश। तो ये हो जाएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर्स यहाँ पर कंप्लीट। एंड आई होप बच्चों कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, तो 7 में देखिए यहाँ पे जो है वो एक वार्तालाप दिया गया है, अब इसी वार्तालाप के आधार पर ये आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें भी उसी तरह से आपको देने हैं प्रश्न जो है, ठीक है, 1 सेकेंड कहाँ गया आपका, हाँ ये रहा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आपके पूछे गए हैं कौन से, ये वाले, इसमें भी उसी तरह से एक पद ने उत्तर लिखने हैं, 2 लिखने, 1 मार्क्स का है, आधा आधा मार्क्स के हैं, पूर्ण वाक्य ने उत्तर आपको 2 करने हैं, ठीक है, 1-1 मार्क्स के हैं तो 2 मार्क्स का हो जाएगा ये। अब इन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखेंगे, तो उत्तर बच्चों जो है वो आपके इसी में दिए हैं, इसी जो आपका पैसेज दिया हुआ है इसी में। अब उत्तर जो है वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 का एक पद में आप लिख देंगे सबसे पहले में मूर्खाणाम, तीसरे में हो जाएगा मूढ़, थर्ड में हो जाएगा शिलानाम, और पूर्ण वाक्य में आप इन तरह से इन 3ों के उत्तर लिख सकते हैं। आप चाहें तो बच्चों वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा, और क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखाई दिया है। अब आ जाते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, अभी वर्ड के आधार पे एक अन्वय दिया हुआ है, इसको आपको पूरा करना है, जहाँ पे कॉलम्स दिए हुए हैं, ठीक है, 4 दिए हुए हैं और 4ों ही जो है वो आपके हाफ ऑफ मार्क्स के यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। और कैसे लिखेंगे इसमें, तो देखिए ये 4ों दिए गए, अब इसमें से कौन सी चीज कहाँ पर आएगी
बस आपको ये समझना है। तो कौन सी चीज कहाँ पे आएगी? सबसे पहले में आएगा आपका विन्हा, दूसरे में आएगा तपोवपि, तीसरे में आएगा भावे वशे और तीसरे में आएगा सेतु। तो सबसे पहले देख लेते कहाँ कहाँ पे है। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, वीना तपोवी वशे और सेतु। वीना तपोवी वशे और सेतु, ठीक है। तो ये देखिए पहले में आपका आ जाएगा वीना, दूसरे में आ जाएगा आपका तपोभू तपोवी, और वशी आ जाएगा आपका थर्ड में, एंड फोर्थ में आ जाएगा आपका सेतु। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए अथवा में एक प्रश्न आपका इसी तरह से दिया हुआ है, अथवा वाला ये है। अब इसमें भी वही दिए हुए हैं, ठीक है भावात। अब आपको इसको किस तरह से इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे, ये चार पॉइंट दिए हुए हैं। तो पहले आएगा आपका वृद्ध युवा वैदेही कुशली, ठीक है, वृद्ध युवा वैदेही और कुशली। तो वृद्ध आपका पहुंच जाएगा फर्स्ट में, सेकंड में आपका हो जाएगा युवा, थर्ड में हो जाएगा आपका वैदेही और फोर्थ में हो जाएगा आपका कुशली। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 के आपके ये दोनों प्रश्न थे जिसमें आपको इस तालिका को पूरा करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में आपके ये प्रश्न है, ठीक है, और टोटल 8 प्रश्न है, और आठवीं प्रश्न आपके हाफ ऑफ मार्क्स के हैं, और इन्हीं को आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे इनके उत्तर? देखिए 9th है यहाँ पे, तो देखिए पहले यहाँ पे आपको प्रश्न एक बार अच्छे से यहाँ से समझ लीजिए, ये प्रश्न जो है आपके, इन्हें अच्छे से समझ लीजिए क्या लिखे हुए हैं ये, और फिर यहाँ पे जो उत्तर है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कथाक्रम लेखनम, कथाक्रम लेखनम अनुसार, यानी कि देखिए ये क्या है कि आपका जो एक चैप्टर दिया गया, ठीक है, उसी चैप्टर के अनुसार ये पॉइंट जो है वो दिए गए। अब इसको आपको एक क्रम के अनुसार लिखना है कि कैसे कैसे कौन कौन सी घटना होती है, कौन कौन सी बातें कही जाती है, ठीक है। तो एक बार सैंपल क्वेश्चन पेपर में आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। और एक चीज बच्चों की, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां पे ये सभी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, और उससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर में आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका 10 मार्क्स का है जिसमें आपके 4 प्रश्न है, और उसके बाद रचनात्मक कार्य में स्टार्ट हो जाता है 15 मार्क्स का है, जिसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका 5 मार्क्स का है जिसमें आपको एक पत्र में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको चित्र दिया गया है, इसमें भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं, एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको हिंदी वाक्य को आपको संस्कृत वाक्य में लिखना है। देन आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है 5, आप पठित बोध में यानी कि चैप्टर वाले ये दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 3 मार्क्स का है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका 3 मार्क्स का है, इसमें भी प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका 3 मार्क्स का है, तो टोटल हो गया आपके 9 मार्क्स, 9 और 2 आपके यहाँ पे दिए हुए हैं 11 मार्क्स, और उसके बाद 4 मार्क्स का आपका प्रश्न ये 9th वाला है। तो इस तरह से बच्चों आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। बच्चों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस ऑल बेल को, इस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।